नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मौसिफ टेक्नोलॉजी की। 232 का स्टॉक हो चुका है अपने 52 वीक हाई से 30% के आसपास नीचे कामकाज कर रहा है। स्टॉक आज भी 1% गिरा जब बाजार आपका एक अच्छी रिकवरी में रहा। बहुत सारे सवाल आए हैं इस स्टॉक को लेकर के, तो एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। गिरावट के पीछे का कारण क्या है, क्या यहाँ पर अभी भी रैली की उम्मीद है, टारगेट क्या लेकर के चले, फ्रेश बाय करना कैसा रहेगा या एवरेज करना कैसा रहेगा, सब कुछ एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात बाजार की, तो बाजार में आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर देखेंगे तो बाजार फर्स्ट हाफ में तो बहुत वीक था, बट सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो अच्छी बाइंग आई है और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अच्छी हुई है। शॉर्ट कवरिंग से मेरा मतलब यह है कि कल बहुत तेजी से गिरावट हुई थी और आने वाले कल में यानी कि वेंसडे को यूएस के इलेक्शन रिजल्ट यहां पर आ जाएंगे, तो इसकी वजह से कल को बहुत बड़ा ओवरहैंग होगा। मार्केट आपका गैप अप भी खोल सकता है, गैप डाउन भी खोल सकता है, तो उस ओवरहैंग को कम करने के लिए आज जिन लोगों ने भी शॉर्ट्स यहां पर बनाए थे या लॉन्ग लिए थे वो सेकेंड डे वो रैली नहीं करवाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने आज ही अपने शॉर्ट्स को कवर किया और जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छी रैली आई है। तो आपको इस रैली को देख करके ये नहीं अनुमान लगाना कि स्टॉक मार्केट में अब बुल रन यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है 2 दिन 3 दिन तब एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ पर बन सकती है। बट अभी के लिए मार्केट आप वीक मोमेंटम में ही लेकर के चलें। अभी भी बात यही चल रही है कि बात जो निफ्टी 50 आपका 23,500 तक भी जा सकता है, आपका 2.5% 3% के आसपास का फॉल यहाँ पर और आ सकता है, इससे भी नीचे, मतलब 24,200 के भी नीचे यहाँ पे 2.5% 3% का फॉल आ सकता है, तो वो दौरा देकर के चलना है। रीजन वही बताया जा रहा है कि FII अभी भी नहीं रुक रहे हैं। FII ने कल भी 4,300 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर बेचा है। आज अगर डेटा पॉजिटिव भी आता है तो वो बस इसलिए क्योंकि शॉर्ट्स कवर किए गए हैं, यूएस का इलेक्शन का रिजल्ट है कल, तो उस वजह से। तो आज का डेटा भी कितना खास मायने नहीं रखेगा, अगले आने वाले 3 से 4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रिजल्ट के बाद किस तरह से FII और डिसीजन लेते हैं, किस तरह से FII टर्नआउट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करें मॉर्चिप की, मॉर्चिप में बड़ी गिरावट हुई, मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो चार्ट में आपको साफ देखने को मिलेगा कि स्टॉक आपका 350 तक के लेवल तक भी गया, 349 330 340 के लेवल्स तक गया और वहां से अब लगातार देखेंगे तो गिरावट हुई तेजी से। अब एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने अपना बेस यहाँ पर कायम कर लिया है और वो बेस के पास ही आसपास ही कामकाज कर रहा है, 232-233 के ऊपर आसपास में कामकाज कर रहा है। बहुत टाइम पहले मैंने इस पर वीडियो किया था जब अराउंड स्टॉक आपका 120-130 के आसपास बिक रहा था, तब भी मैंने बोला था कि स्टॉक अच्छा है, अच्छी ट्रेजेक्ट्री में है, कंसीडर किया जा सकता है। वहां से ये बढ़ करके 3 गुना हो गया, 340 300 ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया यहाँ पे। तो अभी के लिए अगर आप देखें ना तो स्टॉक कंपनी के तौर पे मैं बात करूं, पहले स्टॉक अभी क्या कर रहा है उसको छोड़ के कंपनी के तौर पे मैं बात करूं तो सीडेक के साथ 500 करोड़ के आसपास की, वो मेरा लास्ट वीडियो था जब मैंने बताया था कि सीडेक के साथ इन्होंने 500 करोड़ के आसपास का एक पार्टनरशिप साइन किया, करार किया है। तो उसके बाद से मैंने इस पर वीडियो नहीं किया क्योंकि वहां पर स्टॉक ने हाई लगाया था, तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक अपने हाई के करीब है, यहाँ पर थोड़ा सा संभल के कामकाज करने की जरूरत है, फ्रेश बाय ना करके होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर जिन्होंने होल्ड किया लोअर लेवल से उनका प्रॉफिट है, जिन्होंने अपर एंड पर ही बाय किया तो उन्होंने होल्ड किया, उनका लॉस है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे रीजन क्या है। कंपनी के तौर पर मैं थोड़े से नंबर आपको दिखा दूं कि क्या नंबर्स खराब है, तो नंबर्स नहीं खराब है। सितंबर क्वार्टर में 106 करोड़ का रेवेन्यू आया जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो भी बढ़ा है। वहीं पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपका कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही बढ़ा हुआ है। तो कंपनी इंप्रूव हो रही, कंपनी ग्रो हो रही, ऐसा नहीं कि कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से गिरावट है। अब नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी का करार अच्छा है, मॉर्चिप टेक्नोलॉजी नाम से ही पता लग रहा है कि IT सर्विसेज का सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी में काम करने वाली कंपनी है, मॉर्च चिप्स बनाती है और अपने यहाँ सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनीज की को PLI स्कीम के अंतर्गत रखा जाता है, यानी सरकार से भी इसको बड़ा फायदा मिलता है, सरकार इसको बड़े ऑर्डर्स भी देती है और फायदा भी देती है टैक्सेशन में। तो दोनों ही हाथों में लड्डू है एक तरह से मॉर्चिप के, क्योंकि एक जिस फ्रेम में काम कर रही है वो भी एक अच्छा फ्रेम है जिस सेक्टर में है, और क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्री है तो यहाँ पर इनको टैक्सेशन में भी फायदा मिलता है, साथ में इनको अगर लोन वगैरह चाहिए तो वो भी बहुत ही बेस रेट पर मिल जाता है। तो कंपनी के दोनों हाथों में एक तरह से लड्डू आप मान सकते हैं यहाँ पे। अब लोअर एंड पे मैं आपको दिखाऊं तो क्या यहाँ पे बाइंग अभी भी है, बाइंग दोनों तरफ से है, यहाँ पे रिटेल बाय कर रहा है, साथ में अगर आप FII की बात करें तो FII ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया था, 2.86% से बढ़ा करके 3.64% इसी क्वार्टर में किया, सितंबर क्वार्टर में ही इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। अब गिरावट क्यों है भैया, फिर अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो गिरावट क्यों हो रही है। गिरावट के पीछे एक बड़ा बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है जो बहुत सारे बहुत कम लोग देखते हैं। देखिए 2020 से लेकर के अगर आप देखेंगे 2024 तक, तो एक छोटी कंपनी 6.5 रुपए में बिकने वाली कंपनी 326-340 तक गई,
अब यार इतनी 6.5 रुपए वाली कंपनी अगर 320 तक चली जाएगी तो आपको खुद समझना चाहिए कि इतना मतलब 1750% के आसपास का रिटर्न इसने हर साल दिया है पिछले 5 सालों से। किसी ने अगर एक पहले साल पैसा लगाया था तो आज तक हर साल उसको 1750% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर मिला, यानी 17 गुना पैसा उसको हर साल मिला है। तो अगर इतनी तेजी से कंपनी ग्रो हुई है तो एक चीज समझना पड़ेगा कि स्टॉक थोड़ा सा तो संभलेगा ना। अब तक बुल रन चल रहा था तो सब बढ़ रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा बेरिश ट्रेंड आया है, अब यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल ट्रेंड आया है, तो ये कूल ऑफ हो रहा है, जस्ट इट्स जस्ट गेटिंग कूलिंग ऑफ। अब यहाँ से तेजी आएगी या नहीं आएगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम कितना है। अगर तो आप लेकर चल रहे हो कि 2 से 3 हफ्ते या 2 से 3 महीने, तो आई कैन टेल यू, ठीक है, रीजन बींग कि यहाँ पर 2 से 3 हफ्ते या 2 से 3 महीने का तो मार्केट का टाइम फ्रेम नहीं है। इस बीच मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता, मार्केट और 2-2.5%, 3%, इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला मैंने कि अभी भी अनुमान है कि 2-2.5%, 3% आपका जो निफ्टी 50 है, जो बैंक निफ्टी है, वो गिर सकता है। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट में बात करें, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, वहां तो 6 से 7% की फॉल आ सकता है। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में इतना चलने वाला स्टॉक है, इतना चला है, थोड़ा सा दिन तो कूल ऑफ होगा, और वो कूलिंग ऑफ में अगर होल्ड किया जा सकता है, बाय किसी को बाय करना है, अच्छा लेवल मिल रहा है, लंबा टाइम फ्रेम का होराइजन है उनका, और तो वो बाय करना चाहे तो वो बाय भी कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट, आई वुड नॉट रिकमेंड एनीथिंग। बट फिर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक अपने थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड में है, इसको कूलिंग ऑफ होने का मौका देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक अभी भी लोअर एंड पे काम काज कर रहा है, 200 रुपए के आसपास इसका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, 200-210 के करीब में यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक अच्छा लेवल आपके लिए जो खरीदारी का होगा वो 260-270 के ऊपर ही होगा। अगर मुझे खरीदारी करनी है तो आई वुड बाय अराउंड 275 के ऊपर, उसके ऊपर जाने के बाद ही, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला 5 वर्षों में हर साल इसने 17.5 गुना पैसा बना करके दिया है, 6.5 रुपए का स्टॉक 32-320 रुपए हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी ने अगर 6.5 रुपए में बाय किया होता 320 हो जाता। इस साल भी, 5 साल का छोड़ दो आप, 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है, बहुत सारे कमेंट आएंगे कि यार 5 साल कौन ही होल्ड करके रखता है, लिव 5 ईयर्स। अगर आप 3 साल या 2 साल या 1 साल भी होल्ड करके रखते हैं, 1 साल में इसने आपका पैसा 2 बार डबल किया, 175% का रिटर्न अभी भी बना हुआ है, जबकि इतनी बड़ी गिरावट आ गई है इस स्टॉक में, उसके बावजूद भी 175% का रिटर्न आपको अभी भी मिलता। 82 रुपए से शुरू हुआ था, 326 का हाई बनाया, अभी ये 232 के करीब में ट्रेड कर रहा है, 2 साल में 236% का रिटर्न, 3 साल में 421% का रिटर्न। तो स्टॉक चला बहुत है, सिंपल रीजन है कि स्टॉक चला बहुत है। अब ग्लोबल क्यूज खराब है, तो आईटी सर्विसेज का जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो निफ्टी आईटी अगर आज भी देखेंगे तो फ्लैट ही कामकाज कर रहा था, निफ्टी आईटी में कोई बड़ी रैली आज के दिन में भी नहीं आई है, जब बाजार आपका इतना बढ़िया चला है उसके बावजूद भी। तो निफ्टी आईटी पर थोड़ा प्रेशर है, निफ्टी आईटी ने बहुत कामकाज किया है, कल अगर किसी के भी अच्छे नंबर आते हैं, मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प जीते हैं या कमला हैरिस जीतती है, मार्केट उसको किस तरह से लेगा, वहां से किस तरह की पॉलिसीज बनती हैं फॉर द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तो वो देखने वाली चीज होगी। बट अभी के लिए मॉर्शिप में मेरे पास है तो मैं होल्ड करूंगा, अगर मैंने बहुत ऊपर बाय कर लिया है तो मुझे मुझे वो नंबर लाल निशान में दिखता रहेगा और मुझे परेशान करता रहेगा, तो उस केस में मैं नहीं बता सकता आपको कि आपको क्या करना है। बट अगर मुझे होल्ड करना है तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए मैं अभी नहीं एंट्री मारूंगा, एवरेज नहीं करूंगा मैं यहाँ पे बिल्कुल भी। इस स्टॉक में इस समय पे जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है वो 210 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए मेरे लिए, और अगर मुझे बाय करना है आई वुड नॉट बाय इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। होल्ड किया जा सकता है, कंपनी बुरी नहीं है, स्टॉक बुरा नहीं है, जिस तरह से FII बाय कर रहे हैं, FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है फॉर द लॉन्गर पीरियड, क्योंकि FII का जो टाइम फ्रेम है वो 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने का नहीं है, उनका 2-3 साल का है, तो अगर 2-3 साल रखा जा सकता है तो 232 वाला जो स्टॉक है, 230 वाला जो स्टॉक है वो 1000 भी जा सकता है, वो 2200 भी जा सकता है, वो 2300 भी जा सकता है, क्योंकि इस समय पर चिप्स की शॉर्टेज इंडिया में है, सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखें कि रिलायंस ने अभी एनवीडिया के साथ करार किया था और L&T अब एनवीडिया के साथ जा रहा है करार करने, क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली उतनी एफिशिएंट कंपनीज नहीं है, तो अगर मॉर्शिप वो कर लेती है तो ये कंपनी आने वाले समय का 232 के लेवल से भी एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है, ये प्राइस बुरा नहीं है, बट कंपनी अभी बहुत छोटी है तो इतने बड़े सपने देखना थोड़ा सा बुरा होगा, खराब तो, बट हाँ मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी के लिए होल्ड किया जा सकता है, बाय या करना थोड़ा सा बुरा होगा क्योंकि स्टॉक अभी उस जोन में नहीं है कि बाय किया जा सके, वैल्यूएशन इसके काफी हाई हो गए थे, इतना चला है तो ऑब्वियस सी बात है कूलिंग ऑफ होगा, थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा आपको, वो ज्यादा वेट करेंगे ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या क्या स्ट्रेटजी है बताना कमेंट करके, वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कॉमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन एंड नो वे शुड टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, चाहे आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी और चीज़ में। एडजस्ट एन ओपिनियन, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो वो देख लेना। बाकी किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो, वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।